Hello everyone, welcome to the session on introduction to company law. Very interesting and very important topic. ये topic है CS professional के लिए भी है और बहुत सारी examination का ये part है. जब corporate law की examination आती है तो ये law में है या कोई भी professional examination का syllabus हो उसका ये part. ये introduction का मतलब ये है कि आज हम जानेंगे company और company law के बारे में. हाउ कंपनी लॉ जो है 1844 से लेके आज तक का जो उसका सफर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वेरियस अदर टर्म्स विच आर यूज, जो भी टर्म्स है ईच टर्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. हर पेज के ऊपर हम ध्यान देंगे, हर पेज को समझने का कोशिश करेंगे कि वो पेज में जो कंटेंट्स है उसके क्या मायने है, उसका मतलब क्या है. तो अगर वैसे देखें तो ये वास्ट है सब्जेक्ट और ये टॉपिक जो है वो वास्ट है, लेकिन हम इसको एक काम करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करेंगे हर कॉन्सेप्ट को. हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, आवर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. हर चीज हमको समझनी है, हमें फास्ट नहीं जाना है एट द सेम टाइम. तो टॉपिक बड़ा है लेकिन हम इसे विस्तार से अच्छे से समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे. जैसे कि इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज्यूरिसप्रूडेंस मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, इसकी जो भी मीनिंग इसमें रहेगा, जो भी वेरियस प्रोविजंस रहेगी उसकी हम आज बात करेंगे. तो टू बिगिन विद मैं आपको बता दूं कि ये सेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. ये सेशन जो रहेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा, इंटरैक्टिव रहेगा. जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्वेरीज को मैंने ध्यान में रख के ये सेशन बनाया है. तो हम अभी शुरू करेंगे और हर पेज पे हम ध्यान देंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आई है. अभी सेशन की हम बात करें तो इसमें जो है ज्यूरिसप्रूडेंस आएगा कंपनी लॉ का, फिर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है किस तरह से कंपनी लॉ आगे आया है 150 साल के सफर से, और अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज जो टाइम टू टाइम अपॉइंट हुई है ताकि कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सके, और कॉन्सेप्ट पेपर भी इसमें पब्लिश हुए हैं, रिफॉर्म्स ब्रॉट अंडर द कंपनीज एक्ट है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम सभी जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है रिसेंट डिकेड में. तो इसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं. कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है उसकी बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन्स कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ आल्टर ईगो. तो ये सब हम बात करेंगे विद एक्सेप्शंस, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है उसकी भी हम बात करेंगे. MCA 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCA 21 एजेंसीज अंडर MCA 21 है, MCA सर्विस है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके, बेनिफिट्स है इसके बहुत ज्यादा, एंड ऑल अबाउट फाइलिंग एंड फाइलिंग ऑफ ईवॉर्म. तो आज हम हर एक पे धीरे धीरे अच्छे से समझने के हिसाब से बात करेंगे. वी प्रोसीड ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस और कंपनी लॉ का सवाल आता है तो इट हाउ इट केम इनटू फोर्स वो हम अभी देखेंगे. तो ज्यूरिसप्रूडेंस की जहां तक बात है ना, एक लीगल सिस्टम की बात होती है ज्यूरिसप्रूडेंस, नॉलेज ऑफ लॉ. तो हाउ इट केम सो फार एज कंपनी लॉ पार्ट इज कंसर्न वो अभी हम देखेंगे. ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया हैज इट्स रूट इन द इंग्लिश कंपनी लॉ, इंग्लिश कंपनी लॉ से ओरिजिनेट हुआ है. इन द ईयर 1844 1844 में द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, यहां से शुरुआत हुई इसकी 1844 से. ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कंपनीज एक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो 1850 में है, एंड देयर आफ्टर 1866 1882, 1913, 1956, 2013, जो कि लेटेस्ट लास्ट का.
अबाउट द कंपनीज एक्ट जो 2013 में आया है, इसमें क्यों जरूरत पड़ी, यहां से ये सब एक्ट्स के बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई 1956 के बाद काफी सीनेरियो चेंज हुआ है बिजनेस को लेके। तो एज द बिजनेस इवॉल्व, जिस तरह से बिजनेस में डेवलपमेंट हुई है उस तरह से नीड वॉज फेल्ड टू इंट्रोड्यूस द कंपनी लॉ इन अ फ्रेश मैनर कंसिडरिंग द चेंजेस इन द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ग्लोबली इंटरनेशनली, ये उसके पीछे का मकसद है और इसीलिए 2013 में ये एक्ट आया। एंड इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द मॉडर्न लेजिस्लेशन फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन द कंट्री, ये इसके पीछे का मकसद है। ये हो गया जुरिस्प्रूडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। 1844 में जॉइंट स्टॉक कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी, वहां से फिर इंडिया में हमने 1850 में हमारे यहाँ एक्ट आया इंडिया में, देन कंपनीज एक्ट 66, 82, 13, 56 एंड 2013। एंड अबाउट कंपनीज एक्ट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी इन द ईयर 1950, इट वॉज बेस्ड ऑन कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844 एंड लिमिटेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज इन मैड्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, तीन जगह पे सिर्फ। इट अप्लाइड ओनली टू अनलिमिटेड कंपनी, लेकिन आगे चल के इसमें क्या हुआ, अगर हम 1857 के बाद करेंगे तो क्या होगा उसमें, इट वॉज मेड एप्लीकेबल टू बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कंपनी। इस तरह से इसमें चेंजेस होते रहे, होते आए हैं और आज तो इसमें इतना बदलाव है कि 2013 का जो एक्ट है वो काफी डिफरेंट है, काफी अलग है इस मायने में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी वेयर ओनली रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड कंपनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस वो टाइम में, बाद में 1860 में जो आया वो द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज वेयर कंसिडर्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज 1860 में। द एक्ट 1866 में, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1866 में, इट इंट्रोड्यूस द न्यू लॉ गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट 1913, दिस एक्ट इंक्लूडेड द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट कंपनीज बिसाइड्स कंपनी। कंपनीज एक्ट 1936, इसके बाद हम आते हैं 36 पे, इसमें इट इंक्लूडेड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टर्स MDs मैनेजिंग एजेंट्स एंड प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी गारंटिंग द सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू इट्स एम्प्लॉइज। रिवोल्यूशनरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट 1956 इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ SC भाभा कमिटीज रिपोर्ट In 1952, that committee gave its report. It was introduced after World War II and India's independence. And then, abhi jo Companies Act hai 2013 ka, this act has been enacted to encourage transparency and high standards of corporate governance. Iske piche, agar hum history on development ki baat kare, to is beech mein जो कमिटीज अपॉइंट हुई है 1952 से लेकर 2013 तक, वो कमिटीज ने काफी कंट्रीब्यूट किया है। दे कंट्रीब्यूटेड भाभा कमिटी इन द ईयर 1952, शास्त्री कमिटी, सचर कमिटी, चंद्रात्रे कमिटी, रेड्डी कमिटी, जोशी कमिटी, नरेश चंद्र कमिटी, ईरानी कमिटी, वैश कमिटी, कंपनी लॉ, देयर वेयर वेरियस कमिटीज appointed for that. Baba committee was appointed in the year 1952. It was 12 members committee. What did the committee do? That committee ko ek role diya tha, entire question of revision of Companies Act 1913 ye usko role diya tha. 57 ke committee ka role tha, the task of the committee to overcome such practical force to remove such drafting defects and to consider what changes in the form. 56 के acts में जो the task of committee was to work up practical force to remove such drafting defects जो भी है, ये उसके then Sacher committee 78 में, Chandratre committee 97 में, क्या रोल था इन कमिटीज का, टू सी द इन द राइट परस्पेक्टिव, जो प्रेजेंट जो माहौल होगा उस वक्त का जो माहौल होगा
उसके हिसाब से व्हाट चेंजेस एंड फॉर्म्स आर नेसेसरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी लॉ टू सिंप्लीफाई देयर एंड मेक इफेक्टिव. दिस वॉज देयर. सिमिलरली चंद्रात्रे कमिटी टू फैसिलिटेट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन द कंट्री इन व्यू ऑफ द फास्ट चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट. इन ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये कमिटीज भी बाद में 2000 एंड 2002 में आई. देन नरेश चंद्र कमिटी 2003, ईरानी कमिटी इन 2005, वाइश कमिटी इन 2005 एंड देन कंपनी लॉ कमिटी सब्सिक्वेंटली. हर कमिटी का रोल यही था टू सजेस्ट चेंजेस टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट. अगर हम बात करें ये पेपर की, कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ, कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, द गवर्नमेंट इन डिसम्बर 2004 अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमिटी ऑन कंपनी लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी विद द टास्क ऑफ गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑन प्रपोज रिविजन टू द कंपनीज एक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू. अभी देखिए 2004 में भी जो कमिटी अपॉइंट हुई उसका क्या ऑब्जेक्टिव था अपॉइंटमेंट के पीछे, टू हैव सिंप्लीफाइड कंपैक्ट रेगुलेशन दैट वुड बी एबल टू एड्रेस द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड एनेबल द एडॉप्शन ऑफ ग्लोबली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टाइमली इवोल्यूशन ऑफ. इसमें भी डेवलपमेंट का जो भी दृष्टिकोण रहेगा, जो भी विकास की ओर दृष्टिकोण, रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से कमिटी बनी थी और कमिटी ने रिपोर्ट दिया. कमिटी चार्टेड आउट द रोड मैप फॉर फ्लेक्सिबल डायनामिक एंड यूजर फ्रेंडली न्यू कंपनी लॉ. द कमिटीज रिपोर्ट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन वाइड रेंजिंग प्रोग्रेसिव एंड विजनरी कंसेप्ट एंड ट्राई टू रिकमेंड अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल टू शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर सिस्टम. कंट्रोल गवर्नमेंट का कम करना, शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होगा और डिस्क्लोजर ज़्यादा रहेंगे ताकि प्रॉब्लम डिफिकल्टीज नहीं आए एंड स्टेक होल्डर शुड बी कम्फर्टेबल. ब्रॉड रिकमेंडेशन में प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज नीड टू बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस. कंपनीज विद हायर पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर रिजीम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी रिजीम बैक बाय स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दिया है. ये हो गया. अभी हमने बात की कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट. शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, तो इसको पढ़ लेना चाहिए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और रिफॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट के बारे में बात करेंगे. अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स एंड द कंपनीज एक्ट. द फ्रेमिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 परमिटेड इंडिया टू हैव मॉडर्न लेजिस्लेशन फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन द कंट्री. फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका. एंड इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स कंसिडरिंग द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट बोथ लोकली एंड वर्ल्ड वाइड, कीपिंग इन यू द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. इट कम्स टू द ईयर्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स, रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशंस एंड सिंप्लीफिकेशन इन द वेरियस एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस in order to take into account the various business related issues and processes and also extend support to facilitate ease of doing business in the country. This is all about the, so far as the ease of doing business. Companies Act 2013. Now we move to Companies Act 2013. Initials humne dekha, introduction dekha, jurisprudence, historical background and report and ease of doing business ke bare mein baat kari humne. इन शॉर्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अभी हम चलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की ओर. इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो टू फैसिलिटेट बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रूल्स, इम्प्रूव नॉर्म्स टू प्रोवाइड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यस प्रोवाइड ई गवर्नेंस, प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी
on the part of corporates and auditors and nurture levels of transparency, protect interest of investors, robust framework for insolvency regulations. The objectives are, if we go through these objectives, then we find that lots of changes have been made with regard to, like, ease of doing business is one of the things. Here we can see that business friendly corporate rules hai, good corporate governance dene ka koshish hua hai, e-governance hai, accountability ka part isme dala hai, taki jo bhi auditors hai ya jo bhi isme involve hone wale jo bhi parts hai, jo isme apna role play karte hai, so they are liable, they are responsible for the reports or whatever things they do that. And protect interest of investors, बहुत important है ये factor, बहुत important, इसको भी importance दिया है यहाँ पे. And robust framework for insolvency regulation, जो कि हमने देखा IBC भी आ गया है और NCLT and NCLAT are functioning. The act has introduced new concept. Act में 2013 के act में अगर हम देखें तो corporate social responsibility है, CSR, one person company is there. Then supporting enhanced disclosure, accountability, internal and secretarial audit based on threshold limits, better board governance, better facilitation of business. These concepts have been introduced. Then associate company, small company, dormant company, independent director, women director, resilient director, special court, secretarial standard, secretarial audit, class action suit, registered valuer, rotation of auditors, vigil mechanism, e-voting, etc. These are new concepts and we are going to learn. We are going to see those concepts in our next session. Some of them we are discussing here, some of them we'll be discussing in the next session. Definitions. Now let us start second part. Bahut important part hai definitions ka. Company. Company ke bare mein hum janenge. Company hoti kya hai? कंपनी होती है बॉडी कॉर्पोरेट. कुछ लोग एक कोई कंपनी बनाते हैं, मीन्स एक साथ बैठते हैं एंड दे रजिस्टर इट. इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. अंडर दिस एक्ट मीन्स 2013 का एक्ट और प्रीवियस लॉ, प्रीवियस एक्ट 1956 था. इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. नाउ कंपनी की बात हम करते हैं तो कंपनी मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन मेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग सम बिजनेस. अगर पांच सात लोग, पांच लोग, दस लोग, पंद्रह लोग एक साथ आके एक बिजनेस करते हैं तो इट बिकम्स अ कंपनी. फिर वो कंपनी को लीगल कैसे होगा, क्या होगा, ये कंपनी लॉ का पार्ट आता है. वी आर फर्स्ट वी आर टॉकिंग ऑफ कंपनी. कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन्स मेड किस ऑब्जेक्टिव से होता है? प्रॉफिट के या बिजनेस करने के. प्रॉफिट इज बाय डिफॉल्ट बिजनेस है. प्रॉफिट एंड लॉस आर बाय डिफॉल्ट दिस थिंग्स, बट बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए एक साथ आते वो कंपनी हो गई. अंडर लॉ अभी अभी देखिए ये कॉमन हो गया. जैसे मैंने जानने की कोशिश की कंपनी क्या होती है. कंपनी होती है कि लोग आते हैं, एक साथ आते हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं. लॉ में उसे कैसे कहेंगे हम? लॉ में उसे कहेंगे एक बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स. ए बी सी डी, these four members they come together and they form company E. So ye E jo hai inse separate hai, iska status jo hai E ka separate hai, legal person hai, artificial person, legal person. A B C D ka jo bhi action hai wo action aur E ka action jo hai wo alag alag sabse mana jayega. उनका स्टेटस होगा, ई कैन परचेज प्रॉपर्टी, ई का अपना एक स्टेटस रहेगा. तो ये अंडर लॉ में ये डिफरेंस.
A company is called a body corporate as the person forming it are made into one body by incorporating it, registering it as per law and clothing it with legal personality, legal nature. तो हमने अभी देखा है कि कॉमन में क्या होता है कंपनी का मीनिंग और लीगल में क्या है. कंपनी इज अ लीगल पर्सन इन कॉमन लॉ और लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स. वो कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा ही वो, उसका जो ये रहेगा पार्ट. The different definitions bring out the meaning of a company to say that a company comes into existence when it is registered under this act. ये बात बहुत important है, ये बात आपको ध्यान देनी है. Company comes into existence when it is registered under this act. After registration, it has a legal personality of its own, separate and distinct from its members. An unregistered company has no such separate legal existence. A company is created by law and law alone can dissolve it. So legal में हम बात कर रहे हैं कि company law में register है, company act के अंदर register है तो company है, otherwise वो company नहीं है, वो unregistered company है. Company के definition में वो fit होती होगी but under law उसको registration जरूरी है. ये हो गया company के बारे में. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उससे एसोसिएटेड है जो हमने डेफिनेशन देखी है. अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये एसेंशियल्स भी है, इसमें एसेंशियल्स में भी आएगा. लीगल प्रोसीडिंग्स की अगर बात करें तो अ कंपनी मे स्यू एंड बी स्यूड ऑन इट्स ओन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेचुरल पर्सन लाइक अ डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, जो भी होंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव, जिसको पीओए दिया होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होगा, ऑथराइजेशन दिया होगा, सच पर्संस. तो A company may sue and be sued. Artificial person है, legal person है, yes, it is having separate status. Under law में वो बनती है and it gets the legal status. It qualifies as a person due to having certain rights and liabilities. Separate legal entity, very important, connected to artificial person. हमने अभी देखा. A company may become a separate legal entity on its incorporation. It is competent to buy property, have bank accounts, borrow money, सभी कर सकती है. As an individual, जैसे individual करते हैं वैसे वो भी कर सकते. A company's assets and liabilities are different from that of its members. Perpetual succession होता है company में, जैसे हमने बात करी थी पहले definition में. Yes, a company being a separate legal entity सर्वाइस forever. It does not depend on the insolvency, retirement or death. किसी मेंबर का डेथ हुआ या इंसॉल्वेंट हुआ तो कंपनी को उसका डिफरेंस, कंपनी पे उसका कंपनी पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. कंपनी इज नो वे अफेक्टेड. मेंबर इज नो मोर और इफ एनी मेंबर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और इफ मेंबर इज रिटायरिंग, तो कंपनी सर्वाइव्स हर चीज में. जबकि कुछ प्रोप्राइटरी कंसर्न होगी या पार्टनरशिप फॉर्म होगी, सच टाइप ऑफ एंटिटीज आर देयर, देन देयर इज एन इशू. बट यहाँ पे ये इशू नहीं आता है क्योंकि ये परपेचुअल सक्सेशन है इनका. एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की हम बात करें तो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट कैन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट. एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है, मेंबर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है. तो इसीलिए ये बहुत अच्छा, इसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स है. लिमिटेड लाइबिलिटी है, यस, मेंबर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें होता है. इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स बिकम्स नील. द मेंबर्स आर ओनली लाइबल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स. अनपेड शेयर्स के लिए दे आर लाइबल, अदरवाइज their liability is limited. And common seal की हम बात करें तो yes, common seal एक रहता है, वो sign होता है जहाँ पे common seal affixed होता है और it is company is represented by its employees, directors, but the seal is the company, seal is affixed. अभी हम बात करेंगे company के बारे में, other definitions के बारे में. company के जो types है, there are types of the companies also as well as the definition की भी हम बात करेंगे सेपरेटली. और इसमें टाइप्स में भी हम जाएंगे, हर एक का देर आर मेनी टाइप्स ऑफ
companies which we are going to look into in next session. Here we are going to see the definitions. अभी definitions की अगर हम बात करें तो start करते हैं company limited by guarantee. Company limited by guarantee में a company having the liability, जिस company की liability जो है of its members, members की liability limited by the memorandum. Memorandum में वो limit करिए to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being owned. Company बंद होने के time जो भी उन्होंने आज undertaking दिया है memorandum में उतनी ही उनकी liability रहेगी company बंद होते हो company owned up हो रही है तो that is company limited by guarantee. Members are liable to the extent of which they agreed to contribute to the assets of the company. ये उसका मतलब. Whereas company limited by shares में जब when it means a company having the liability of its member. Members की liability कितनी है? Unpaid shares की जो भी है. It is by the member on to the amount if any unpaid on the shares respectively held by. मतलब जितनी shares पे अगर shares खरीदे हैं और वो वहां तक उनकी liability बनती है तो only to the extent of unpaid shares. Amount unpaid on the shares. Holding company section 246 में holding company is defined in relation to one or more companies means a company. Holding company in relation to holding company उसी को समझा जाएगा. Suppose X company, X is the holding company. जब तक उसका relation और company से establish नहीं होता है, it cannot be called holding company. Therefore, in relation to one or more companies like A, B, C, of which such companies are subsidiaries. It means X is the holding company and A, B, C are subsidiaries, subsidiary companies. It includes company section 2, subsection 71. क्या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है? इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. ये दो बात है तो दैट अमाउंट्स टू पब्लिक कंपनी. इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. नाउ वी विल सी प्राइवेट कंपनी क्या होता है. प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड बाय विच and which by its article of association restricts the right to transfer its shares. There are restrictions on transfer of shares. Limits the number of its members. Members ka limitation hai to 200 maximum except in case of one person company. And the company is prohibited from any invitation to the public to subscribe. अगर ये तीन criteria over and above having a minimum paid up share capital है तो then it amounts to private company. And private company, the company which is not a private company and company which is not a private company and has a minimum paid up share capital, तो वो हो जाएगी public company. Which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed is a public company. Private company हमने देखा अभी private company की definition देखी. Now we will move to small company. A company other than public company whose paid up capital and turnover shall not exceed rupees 4 crore and 40 crores respectively. Paid up capital 4 crore and turnover 40 crores. ये नहीं होना चाहिए. The amended section said that for the purposes of sub clause 1 and sub clause 2 of clause 85 of section 2 of the act, the paid up capital and turnover shall not exceed rupees 4 crore and 40 crore respectively. जो अभी हमने देखा है. A small company has been defined as a company other than a public company whose paid up share capital
does not exceed rupees 4 crore or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore. ये हो गया पेड अप कैपिटल के बारे में. 4 crores चाहिए. पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed 4 crores or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crores. And secondly, turnover as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 crores or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crores. But 4 crores and 40 crores ka limitation hai. Over and above, if at all it is increased, it will increase here so far as paid up capital 10 crores and turnover 100. Provided nothing shall apply to holding company or a subsidiary company, company registered under section 8, company or body corporate governed by any special act. Dormant company ki baat hum karte hai, section 45 mein defined hai. A company if formed and registered under the Companies Act, chalo theek hai, company banai hai for a future project or to hold an asset of or intellectual property and has no significant accounting transaction. Magar accounting transaction nahi hai. Such a company or an inactive company may make an application to the register for obtaining the status of dormant company. It means Companies Act mein registration hua hai to hold an asset. Theek hai? And has no significant accounting transaction. To dormant company ka status usko mil sakta hai. निधि कंपनी सेक्शन 406 में डिफाइन किया है. निधि कंपनी अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है इनका जो फॉर्मेशन है वो, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंगस्ट इट्स मेंबर्स. सेविंग की हैबिट जरूरी है. रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स for their mutual benefits and which complies with the rules as are prescribed by the central government for regulation of such class of companies are known as nidhi companies. Cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, ye bahut important iska objective. Listed company section 2 subsection 52, it means a company which has any of its securities listed in on any recognized stock exchange. Listed securities listed on any recognized stock exchange. However, such class of companies which have listed or intend to list such class of security as may prescribe in consultation with SEBI shall not be considered as, which have listed or intend to list such class as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed. In other cases, a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange, which companies are not to be listed as listed companies, which companies are not to be called listed companies. Companies not to be considered as listed companies, Rule 2A of the Companies Specification of Definitions Details Rule 2014. The following classes of companies shall not be considered as listed companies. Public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed their non-convertible debt securities issued on private placement basis in terms of SEBI regulation 2008. So it is not a listed company. Non-convertible redeemable preference shares issued on private placement basis in terms of SEBI regulations 2013 are both categories 1 and above. And then 2B, private companies which have listed their non-convertible debt securities in private placement on a recognized stock exchange in terms of SEBI regulation 2008. And C, public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in Section 23(3) of the Companies Act 2013. So these are not the listed companies. Companies are not to be considered as listed companies. A,
B and C. Then we will move to government. Government company क्या है? In which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments or partly by the central government or partly by one or more state governments and includes a company which is a subsidiary company such a government company. 51% का share holding होना जरूरी है, then it amounts to government company. Any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government, or partly by the central government or partly by the state government. Foreign company, it means any company or body corporate incorporated outside India. Case of business in India, whether by itself or through an agent, okay, or and conducts any business activity in India in any manner. Important factor is mein kya hai? It means any company or body corporate incorporated outside India. It might be having place of business in India, but incorporated outside India. Which has a place of business in India? Okay. Or it conducts any business activity, but incorporated outside India. Foreign officer, ये concept है, term है, जो 259 में define है. Officer includes any director, manager or KMP, key managerial personnel or any of person in accordance with whose direction or instruction the board or directors, board of directors or anyone or more of the directors are accustomed to act. Responsible person means officer. KMP भी इसमें आएंगे. KMP क्या है वो अभी हम देखें. Managerial personnel, section 2 subsection 51. The term key managerial personnel has been defined in the act, which means CEO or MD or the manager, company secretary, whole time director, the CFO, chief financial officer, such other officer not more than one level below the directors who is in whole-time employment, designated as key managerial personnel by the board and such other officer as may be prescribed. This is about KMP. KMP, very important concept hai ye. Ye humko samajhna bahut zaruri hai. The term KMP has been defined in the act, which means the CEO, number one hai, CEO or the MD or the manager. Company secretary, second is company secretary, third is the whole time director, fourth is the CFO, fifth is such other officers not more than one level below the directors who is in whole time employment, and then such other officer as may be prescribed. So ye KMP mein. Promoter, the term promoter means a person who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return. Jiska reference prospectus mein hai. X is the promoter, founder, jisne company banaya, uska naam prospectus mein hai ya annual return mein. Who has control over the affairs, company ke jo kaam ka, jo company ka jo main jo business hai, uske upar uska control hai, directly or indirectly as shareholder, director or otherwise. In accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. Board उसके advice पे चलता है, तो उसे हम promoter कहते हैं. ये तीन criteria में the person is called as a promoter. Independent director, section 247, 2 subsection 47 and section 149 subsection 6. The act defined the term independent director along with several new requirements relating to their appointment. And independent director means, an independent director means director referred to in subsection 6 of section 149 of the Companies Act. That we are going to see in the next session, 149.6. Now doctrines ki agar hum baat kare, to
प्रिंसिपल्स जो कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी के कंडक्ट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड एंड दे हैव लार्ज इंपैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉर्पोरेट्स दैट वी आर गोइंग टू सी. Doctrine of ultra vires, this sometimes called vires, sometimes called vibes, beyond powers. Doctrine of ultra vires means beyond powers. Ultra vires is a Latin term. ये Latin term है. ये दो शब्द से बना है, two words से बना है, ultra and vires. Vires, ultra means beyond and vires or vires means power or authority. Power or authority. Ultra vires acts are any acts that lie beyond the authority of a company to perform. इसका मतलब ये है कि जो पावर में नहीं है, बोर्ड के पावर में नहीं है, कंपनी के पावर में नहीं है, such activity. So therefore, it is very important. It is very important that any acts that lie beyond the authority of a company should be known. ये पता होना चाहिए. और इस तरह से ये बियॉन्ड पावर्स वाली बात, जो अथॉरिटी में नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी नहीं कर सकती है, तो वो इलीगल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा. दैट एक्ट विल बी वाइड. द एग्रीमेंट कुछ ऐसा बना होगा जिसमें पावर्स नहीं होंगे तो भी वाइड हो जाएगा. दैट एक्शन विल बी वाइड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अल्ट्रा वायरस इज अ लैटिन टर्म. इट इज मेड ऑफ अल्ट्रा एंड वायरस. वायरस टू वर्ड से बना है. अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड, बियॉन्ड पावर्स. अगर कोई चीज है तो वो इलीगल हो जाएगी. कैसे? एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कॉन्ट्ररी टू और इन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट एक बना है. कंपनीज एक्ट में रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस है. विद इन द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द कंपनीज हैव टू एक्ट. And if they don't act, then this term will come into picture. Now, ultra-virus activities can be divided into following three divisions. Ultra-virus, the Companies Act. Ultra-virus, the Memorandum of Association. Ultra-virus, the Article of Association. वो कैसे होता है? वो अभी देखेंगे. Companies Act में beyond powers कैसे होता है? कोई कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस है उसको कंप्लाई नहीं करना है, देन दैट अमाउंट्स टू अल्ट्रा वायरस दी कंपनीज एक्ट. अ कंपनी डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द लॉ गवर्निंग इट, दैट इज कंपनी लॉ से उसको पावर्स मिला है. एज पर सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल प्रिवेल. इट सेज दैट प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर बाइंडिंग. बाइंडिंग मतलब ये जो होता है, ये प्रोविजन जो है वो कंपलसरी फॉलो करना होता है. नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कॉन्ट्ररी, द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एनी एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट और एनी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेदर द सेम बी रजिस्टर्ड, एग्जीक्यूटेड, पास्ड एज द केस में बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट. इट मीन्स MOA मेमोरेंडम में कुछ होगा, आर्टिकल में कुछ होगा, या बोर्ड ने कुछ रिजोल्यूशन पास किया होगा, दैट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट. इट सेज दैट द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर बाइंडिंग. मतलब कंपनी चलानी है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलानी. एनी एक्ट डन कॉन्ट्ररी टू और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनीज एक्ट. Such an act is void and cannot be ratified even by unanimous resolution of all the shareholders. So, ye void ho jayega. For example, the appointment or removal of board members without following statutory provisions. Jo provisions Companies Act mein diye, wo follow nahi kare, to wo consider nahi. Appointment bhi consider nahi hogi, legal aur removal bhi legal nahi hoga. मेमोरेंडम का अगर अल्ट्रा वायरस दी मेमोरेंडम कैसा होगा, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस तरह से होगा, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी. इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी.
effectively represents the base and foundation stone. ये मेमोरेंडम का मेन है. ऑब्जेक्ट क्लॉज उसका इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एमओयू इज कंसीडर्ड टू बी इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज. सेक्शन 41C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी कंपनी. ये मेन बात हम अभी देख रहे हैं. 41C ऑफ द कंपनीज एक्ट requires every company to state in their MOA the objects for which the company is proposed to be incorporated that are considered necessary in furtherance there. Usme jo bhi hoga object hoga wo mention karna hoga. The MOA of a company restrict the powers of the company while defining the object of the company. A company cannot do anything which is beyond the purview of the object clause. Object agar jo hai उसी हिसाब से उसको एनी एक्ट डन इन कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए विल बी अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम एसोसिएशन एमओए. इन द केस ऑफ अ कंपनी व्हाट एवर इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम एज द ऑब्जेक्ट्स और पावर इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. तो ये हमने ये भी देखा है क्या है ये डॉक्ट्रिन बियॉन्ड पावर है. बियॉन्ड पावर्स कैसे है अगर मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज है और वो ऑब्जेक्ट क्लॉज फॉलो नहीं हो रहा है. सिमिलरली कंपनीज एक्ट की कुछ प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं हो रही तो वो अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट होता है. अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड नाउ थर्ड इज अल्ट्रा वायरस द ऑब्जेक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA. अभी कैसे होता है द AOA ऑफ अ कंपनी शुड कंटेन द बायलॉज एंड रेगुलेशंस. यहाँ पे हम बायलॉज और रेगुलेशंस की बात करते हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. It plays significant role in governing the company's affairs and also the rights of its members inter se. If a company acts which are ultra vires the AOA but intra vires the MOA outside the scope of AOA but within the powers of powers conferred by AOA will be ultra vires the article of association. Kaise dekhte hain? If a company acts which are ultra vires the AOA but intra vires the MOA outside the scope of AOA but within the powers of conferred by the MOA will be ultra vires the article. Article में जो लिखा है वो अगर follow नहीं हो रहा है MOA का follow हो रहा है but AOA का नहीं हो रहा है article का नहीं हो रहा है तो भी it is ultra vires the articles of association. This is what we call the rule is meant to protect shareholders and the creditors of the company. If the act is ultra vires beyond powers of the director the shareholders can ratify. If it is ultra vires the article of association the company can alter its article in the proper way and thereby such acts can be duly ratified. Loans borrowing guarantees and ultra vires rules iske bare mein baat karenge abhi. Pehle ye humko ultra vires the article of association ye humne is kis tarah se samjha hai wo dekh lete ek bar fir se fast nahi jayenge but slowly we are going to understand that article of association jo hai wo rules and regulations prescribe karta hai for management and internal affairs of the company. If that is not followed to kya hoga ultra vires the article of association ho jayega beyond powers ho jayega jo article ne jo diye hai wo powers ko follow nahi hoga. Isi tarah se abhi loans borrowings guarantees ki agar hum baat kare to and ultra vires borrowing does not create a relationship of a debtor and creditor nahi hoga relation hi nahi hoga because borrowing jo hai authorized hona chahiye. Agar company ne borrow karna hai to wo MO isme AOA mein iska limit jo bhi hai jo wo hona chahiye that should be mentioned. In a case a company had accepted डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स विच वॉज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम. आपके मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसके अलावा आपने जो एक्टिविटी करी है आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम देन इट इज अल्ट्रा वायर्स. सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी वही है मेमोरेंडम का भी वही है. जो भी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी MOA के बियॉन्ड किया है तो देन दैट इज नॉट परमिटेड. When the company was ordered to be wound up, a question was raised whether the depositors were creditors of the company or whether the contributors could be asked to contribute towards payment of deposits. The court held that the relationship between the company and depositors was not that of debtor and creditor. But if the lender had lent the amount for discharging lawful expenses, he may recover the amount. Now,
Whether a transaction is ultra vires the company can be decided on the basis of the following. If a company enters into a transaction falls within the objects, it is not ultra vires and hence it is not void. सीधी बात है, अल्ट्रा वायरस जो अभी हम देखे ट्रांजेक्शन है या नहीं है तो कैसे जानेंगे. इफ अ कंपनी एंटर्स इन टू ट्रांजेक्शन फॉल्स विद इन द ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस एंड इट इज नॉट वाइड. सेकेंडली इफ अ ट्रांजेक्शन इज आउटसाइड द कैपेसिटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी सच ट्रांजेक्शन इज अल्ट्रा वायरस. ये तो बात सही है. इन केस अ ट्रांजेक्शन इज इन एक्सेस और अब्यूज ऑफ कंपनीज पावर्स देन इट इज ट्रीटेड एज beyond powers. Implied powers, the powers exercisable by a company are to be confined to the objects specified in the MOU. जो भी powers use करना है वो MOU के अनुसार करना है. MOU में जो object दिया है वो हिसाब से करना है. While the objects are to be specified, the powers exercisable in respect of them may be expressed or implied and need not be specified. Every company may necessarily possess certain powers which are implied. Such as power to appoint and act through agents, and where it is trading company, a power to borrow and give security for the purpose of its business, and also power to sell. These are implied powers. Such powers are incidental and can be incidental from the power stated in the memorandum. The norm underlying the exercise of such powers is that a company should be able to pursue those things which may be regarded as incidental. Incidental hai to consequential upon the business for which it is constituted. Object की तो बात है ही, पर जो incidental जो चीजें जरूरी है जो जिससे business run करेगा वहां तक वो implied powers limited है. Powers which are not implied, अभी आप देखिए implied powers हमने देखिए incidental थे, but powers which are not implied, very important factor is there. Acquiring any business similar to the company's own business, बड़ी बात हो जाती है, तो ये implied में नहीं आएगा. Entering into an agreement with other persons or companies for carrying on business in partnership or for sharing profit, joint venture, other arrangement, ये express ही होना चाहिए, ये implied powers नहीं है. किसी भी तरह से company को ये powers नहीं हो सकते. किसी company का share लेना है तो भी ये implied नहीं होगा. Obtaining shares of other companies where such acquisition or investment permits the doing indirectly that which will not be intra vires if done directly. Promoting other companies, selling or disposing of the whole of the company's undertaking. These all should be expressly mentioned. Otherwise, वो नहीं होगा. Implied powers में नहीं आएगा. Using funds for political purpose, gifting or donating for charities, giving guarantees. These are not powers which are implied. Implied powers are incidental and can be incidental from the power stated in the memorandum. Very clear. Memorandum में जो है उससे incidental होना है. Other than that, if someone is going to do something that is not there, then there has to be expressly mention of that. Acquiring any business, powers which are not implied. Acquiring any business, entering into an agreement, taking shares, promoting other companies, selling or disposing, using funds, giving guarantee, yes or no. Effect of ultra vires transaction. इसके effect की अगर हम बात करें तो क्या होगा? Void ab initio हो जाएगा. जो भी contract रहेगा, agreement रहेगा, act रहेगा, वो शुरुआत से जो void हो जाएगा. बियॉन्ड पावर किया है कोई काम तो वो अथॉरिटी में नहीं आएगा. एन इंजंक्शन कैन बी ऑप्टेड बाय अ मेंबर टू रिस्ट्रेन अ कंपनी वेर इन अल्ट्रा वायरस एक्ट हैज बीन और इज अबाउट टू बी अंडरटेक. इंजंक्शन ला सकते हैं वो कंपनी के खिलाफ. पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर्स आर ड्यूटी बाउंड. डायरेक्टर्स की ड्यूटी है टू एंश्योर दैट द कॉर्पोरेट कैपिटल शुड बी यूज ओनली फॉर लेजिटिमेट बिजनेस. जो कानूनी तौर पे जो बिजनेस करने का उनको लाइसेंस मिला है, परमिशन मिला है, एमओयू में मेंशन है, ऑब्जेक्ट है, वही वो कर सकते हैं. एंड हेंस इफ सच कैपिटल इज डाइवर्टेड, अगर दूसरे काम के लिए कैपिटल डाइवर्ट किया देन स्टेटेड इन द मेमोरेंडम द डायरेक्टर शुड बी पर्सनली लायबल. यहाँ पे इंडिपेंडेंट या लीगल एंटिटी का रोल नहीं रहेगा, इसमें उनकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी. एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी,
ये इफेक्ट अगर है तो क्या होगा? देखिए अभी हमने देखा इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन क्या होता है, वाइड एब इनिशियो गया, कॉन्ट्रैक्ट गया, इंजंक्शन ला सकते हैं अगर एब्यूज चल रहा होगा, अगर वो कंटिन्यू होगा वायलेशन, पर्सनल डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, बट पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात की, वेयर अ कंपनीज मनी इज यूटिलाइज्ड, अगर कंपनी का पैसे से प्रॉपर्टी लिया है, इफ वेयर अ कंपनीज मनी इज यूटिलाइज अल्ट्रा वायरस टू परचेस सम प्रॉपर्टी, द कंपनीज राइट ओवर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड सेफ एंड द कंपनी विल बी द राइट पार्टी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इंपैक्ट क्या हुआ, अगर कंपनी के पैसे से प्रॉपर्टी ली है तो कंपनीज राइट ओवर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड सेफ। The reason behind this is that even though the property has been purchased for some ultra-virus purpose object, it represents the money of the company, which means as the money belongs to the company. The company gets ultra-virus borrowing does not create the relationship of debtor and creditor. We already saw that. Dekha hai humne ye. Or wrong committed outside the objects. Got committed outside the objects. Agar koi wrong create kiya hai, commit kiya hai, तो कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कंपनी लायबल फॉर द टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, इट शुड प्रूव दैट द रॉन्ग वॉज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एन एक्टिविटी विच इज इन द परव्यू ऑफ कंपनीज एमओए, इट वॉज कमिटेड विद इन द कोर्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉय। एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डॉक्ट्रिन है इसका मतलब तो हमने देखिए, डॉक्ट्रिन बोलती है कि बियॉन्ड पावर्स, डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि बियॉन्ड पावर्स जो भी चीज है वो इलीगल है। एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो एनी एक्ट विच इज परफॉर्म इरेगुलरली बट अदरवाइज इट इज इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी वैलिडेटेड रेगुलराइज बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी if any act, and then secondly if any act is done within the authority of the company by the companies act, then they will not be considered as ultra vires even if they are not expressly stated in the AO. Any act which is performed irregularly, irregular act hai, but intra vires the company hai, company ke within rules and regulations mein kiya hua. Secondly within the authority of the company it is done, ये एंड इवन इफ दे आर नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द एओ दिस फॉल्स इन एक्सेप्शन। एनी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायरस एक्ट विल नॉट बी इनवैलिड अनलेस द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट सच एक्ट, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करेगा तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, नहीं तो नहीं होगा। Any act which is outside the authority of the directors of the company, but otherwise it is intra vires the company, can be ratified by the shareholders. ये exceptions का जब हम बात करते हैं तो exception का मतलब ये है कि Companies Act में compliance करने के बाद MOA AOA के अनुसार अगर कोई action है but other than that irregular है but within the ambit of law कोई बात हुई है जो comply सब legally हुआ है बट सर्टन इरेगुलरिटी कोई प्रोसीजर में है या कोई अदर थिंग्स में है तो इट कैन बी रेगुलराइज तो वैलिड हो जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, अभी हम इसको समझेंगे किस तरह से ये ऑपरेट होती है। द डॉक्ट्रिन वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी, it emphasizes on the concept that an outsider whose actions are in good faith and has entered into transaction with a company can have a presumption that there are no irregularities internally and all the procedural requirements have been complied with. इसका मतलब ये है जो बाहर का जो व्यक्ति है जो कंपनी से ट्रांजैक्ट करेगा उसे इंटरनल मैनेजमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो पता नहीं रहेंगे या मैनेजमेंट का डिसीजन पता नहीं रहेगा, तो ही इज प्रोटेक्टेड इफ ही कम्स इनटू, इफ ही डज एनी डील और इफ ही कम्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इफ ही एंटर्स इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, तो उसको ये नहीं है कि
उसको पता नहीं होता है, तो ही इज प्रोटेक्टेड. द डॉक्ट्रिन वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के हित में ये डॉक्ट्रिन है. ये डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल कहता है, अगर मान लो आउटसाइडर जो डील कर रहा है वो गुड फेथ में डील कर रहा है, आउटसाइडर इज डीलिंग इन गुड फेथ एंड एंटरिंग इन टू ट्रांजेक्शन विद द प्रिजम्पशन दैट यस सब कुछ ठीक है, कंपनी में सब कुछ ठीक है, देर इज नो इश्यू, ये डॉक्ट्रिन उसको प्रोटेक्ट करता है. एम्फोसिस किस पे है, ये डॉक्ट्रिन का एम्फोसिस किस पे है? एक तो उसका एक्शन जो है वो गुड फेथ में होना है, एंड वो ट्रांजेक्शन, ही इज एंटरिंग इन टू अ ट्रांजेक्शन, वो कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा है विद द अंडरस्टैंडिंग, क्लियर प्रिजम्पशन है माइंड में, पूरा उसने सोचा है कि कंपनी में कहीं इरेगुलरिटीज नहीं है, कंपनी अच्छी चल रही है, एंड ऑल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, सब प्रोसीजर कंपनी कंप्लाई कर रही है. तो ऑर्डिनरीली क्या होगा, सपोज ये इज द आउटसाइडर, ही इज एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट विद बी कंपनी, बी एंड कंपनी और बी लिमिटेड और बी प्राइवेट. नाउ इफ ए इज एग्जीक्यूटिंग दिस एग्रीमेंट विद बी कंपनी एंड बी बीज रिप्रेजेंटेटिव इज गिविंग एन अश्योरेंस टू ए दैट ही इज द बीज रिप्रेजेंटेटिव इज सी, ही इज गिविंग एन अश्योरेंस, वो अश्योरेंस दे रहा है ए को कि सब कुछ ठीक है, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का, बोर्ड ने दिया है और कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, ही इज ऑथराइज टू साइन दैट. ए इज अंडर द इम्प्रेशन दैट यस सी को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी मिला या पावर है, अथॉरिटी दी है बी के, बी लिमिटेड या बी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने, तो कोई इश्यू नहीं है. तो ए अगर ट्रांजेक्ट करता है तो ए इज प्रोटेक्टेड, ए इज प्रोटेक्टेड बाय दिस डॉक्ट्रिन. अभी इसमें एक रूल ऐसा है, आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एक्शन डन बाय द कंपनी, whereas the doctrine of constructive notice, ये पार्ट में validity of action of directors, validity of direction, direction of directors, section 176, doctrine हमने देख ली, doctrine के हिसाब से doctrine of indoor management कहता है कि outsiders are protected, outsiders are dealing with the company with the presumption that everything is good because all procedural aspects have been complied with, so therefore there is no problem. Validity of action of directors, this section deals with the validity of action of director. It says that any act done by a person as a director shall not be deemed to be invalid, although it was subsequently noticed that his appointment was invalid because of any defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in this act. If he is acting as a director and he be executing some agreement, so that agreement is valid. If subsequently it is found that this director is not qualified to act as a director and if he resigns, even then, जो agreement उसने किया है, जो भी उसने deal किया है, that is treated valid. However, the provision of this section shall not be applicable if any act done by the director after his appointment is noticed by the company to be valid. To be invalid or have been terminated, then in that case, yes, because after his appointment has been noticed by the company to be invalid, means knowing that yes, he is invalid, or then he is acting on behalf of the company as a director, then this won't be applicable. Section 76 won't be applicable. Section 176, the object hai to protect the person dealing with the company, outsiders. By providing that the acts of a person acting as director will be treated as valid for all the time, unless his appointment itself was invalid and that everybody knew about it. Although it may afterwards be revealed that his appointment was invalid and it had terminated under the provisions of this act. Subsequently hua to, then this action is legal. Object 176 will protect the outsider. एग्जाम्पल अगर इंडोर मैनेजमेंट का लेते हैं तो एबीसी लिमिटेड इज इन रिसीट ऑफ अ चेक फ्रॉम डीएफ लिमिटेड
The article of association of DAF Limited provided that two checks issued by the company need to be signed by two directors and countersigned by the secretary. The directors nor the secretary who signed the check was appointed properly and thus the check issued was not valid. बात हो गई. DAF Limited ने एक चेक इशू दिया, एक चेक इशू किया है एबीसी को, लेकिन DAF ने जो चेक इशू किया है, जिसने चेक इशू किया है उसको अथॉरिटी नहीं है. एज पर दैट जो भी उनका मैंडेट रहेगा, इट शुड बी साइन बाय टू डायरेक्टर्स एंड countersigned बाय सेक्रेटरी. लेकिन ये चेक दोनों ने साइन नहीं किया, दोनों डायरेक्टर्स ने साइन नहीं किया और सेक्रेटरी ने भी नहीं साइन किया. देन एबीसी लिमिटेड सूड द कंपनी फॉर द इरेगुलरिटीज इन द प्रोसीजर. एबीसी को पता नहीं है सब इंटरनल क्या चल रहा है, तो एबीसी सूड. एबीसी लिमिटेड इज एंटाइटल टू रिलीफ एंड द कंपनी हैज टू पे. डीईएफ जो है, जो दूसरी कंपनी है डीईएफ, हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक सिंस द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट of the company and a person dealing with the company is not required to inquire about it. That every time outsiders cannot know whether this director has this authority or this director has not having this director is not having this authority. So director ka koi authority nahi hai ya internal matter mein ABC ko lena nahi hai, isiliye koi ABC ka koi role nahi hai, isiliye ABC was allowed to have claim ABC ko. Now, exceptions to the doctrine of indoor management. इसमें exceptions क्या? Indoor management हमने समझ लिया. Outsiders are protected. Outsiders are not aware about the internal aspects, whether X has got authority or not. But he is protected if he transacts with the company. तो उनको outsiders को protection है. Exception में है, exception है कि ये exception उसको कब उसको protection नहीं मिले. जब उसको पता होगा, आउटसाइडर वॉज अवेयर अबाउट द रॉन्ग डूइंग, आउटसाइडर वॉज अवेयर दैट दोनों डायरेक्टर को अथॉरिटी नहीं है और सेक्रेटरी को भी अथॉरिटी नहीं है. दोनों डायरेक्टर को अथॉरिटी है, सेक्रेटरी को अथॉरिटी है, लेकिन चेक थर्ड पार्टी साइन कर रहा है, ही इज अवेयर ऑफ इट. देन अ पर्सन नोइंग फुली वेल दैट डायरेक्टर्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक द ट्रांजेक्शन बट स्टिल एंटर्स इन टू इट कैन नॉट सीक प्रोटेक्शन ऑन. इस केस में ये दूसरा केस है. मान लो एक डायरेक्टर है कि उसको अथॉरिटी नहीं है, ये इसको पता है, बट स्टिल द पर्सन ट्रांजैक्ट्स, तो देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल. इन वन केस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिटेड द डायरेक्टर्स टू बोरो अप टू 1000 pounds ओनली. 1000 pounds तक वो बोरो कर सकते हैं. हाउएवर they with the consent of the company in general meeting exceeded the limit of 1000 pounds and borrowed 3000 pounds from one of the directors who took debentures. The company did not pay the amount. It was held that the debentures were good to the extent of 1000 pounds only because AOA specified about it. Usme jo powers jo baat hui thi wo only 1000 pounds ki hui thi. Since the director of the company was aware or deemed to have the notice of the integral irregularity, so he was aware of it. So when he was aware of it, then there was no question of, you know, taking the shelter of doctrine of indorment. A person had no knowledge of memorandum and articles. A person who did not consult the memorandum and articles and thus did not rely on them can invoke the rule. Who had no knowledge? Now, a person who did not consult the memorandum and article and thus did not rely on them, who memorandum and article of association, if he is not perusing, if he is not going through it, then he cannot say that he was unaware of it. So this falls in exception. In Rama Corporation versus Teen and General Investment Company, T was a director in the company. He purportedly to act on behalf of the company, entered into contract with Rama Corporation and took a check from the latter. The articles of the company didn't provide that the directors could delegate their powers to one of them, but Rama Corporation people had never read the articles. Later it was found that the directors of the company did not delegate their powers to T. The plaintiff relied on the rule of indoor management held they could not because
They did not know that power could be delegated. Forgery ki case mein, the rule of indoor management does not extend to transaction involving forgery hai to nahi hoga and to transaction which are otherwise void or illegal ab initio. Shuruaat se agar wo void hai, is in cases mein indoor management ka rule apply, principle apply nahi karega. Forgery ke case mein nahi karega. Where the secretary of a company forges signatures of two of the directors required under the articles and on share certificate and issues share certificate without approval, the holder of the certificate cannot be allowed to take advantage of the doctrine of indoor management. Usko wo benefit nahi milega because usme article mein clearly mention hai and he was supposed to go through the article. Dekh lena chahiye. Negligence, the doctrine of indoor management does not reward those who behave carelessly. Agar कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, थोड़ा बहुत केयर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मेमोरेंडम देख लो, आर्टिकल देख लो, इंक्वायरी कर लो, बात कर लो, डॉक्यूमेंट्स देख लो. वेयर एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एक्ट्स और डज समथिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी विद इन हिज पावर्स, पर्सन डीलिंग विथ हिम मस्ट मेक प्रॉपर इंक्वायरीज एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज़ टू द ऑफिसर्स अथॉरिटी. रिजोल्यूशन मांग लीजिए, अथॉरिटी का अथॉरिटी लेटर है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से बोर्ड रिजोल्यूशन है तो वो देख लीजिए, मेमोरेंडम देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लीजिए, कुछ सभी बातों से. इफ ही फेल्स टू मेक एन इंक्वायरी इज स्टॉप फ्रॉम रिलाइंग ऑन. दिस इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर. नाउ वी आर सीइंग अनदर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. It is a doctrine where all person dealing with a company are expected, believed or constituted to have knowledge, awareness of the company's AOA and MOA. On registration of the MOA, AOA, the same becomes public document. If I am dealing with the company, I should know what is their object, what is their activity and powers, authorities. Because MOA, memorandum or article जो public domain में है, that can be seen and you know verified. So this is what the doctrine of constructive notice says, that every person who decides entering into contract with the company has the means of finding and subsequently supposed to know not only the exact powers of the company but also the extent to which these powers can be delegated to the directors and any of restriction placed upon exercise of these powers. जहां तक हो सके अगर पॉसिबल होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेना, यस. बाद में अथॉरिटी पावर्स क्या है वो कंपनी की वो देखना है, पावर्स किसको डेलीगेट किए वो देख लेना है, चेक कर लेना है. देन ओनली द एक्सटेंट टू विच दिस पावर्स कैन बी डेलीगेटेड टू द डायरेक्टर, एनी ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन, ये सब बातें जो है, इट मीन्स एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस of the contents of its MOA or AO, then only yes notice hai, notice mein. Abhi aage kya hota hai, dekhiye. If the articles provides that a bill of exchange to be effective must be signed by two directors, two directors ne sign karne, a person dealing with the company must see that it is so executed, otherwise he cannot claim under it. Another example of constructive notice is that when a court is in a position to directly reach someone and publishes summons in the public news, so when it is presumed that everybody has read it, so it means that jo public domain mein hai wo to pata hai, so that is called as a notice only. Then I cannot say that no, I was not aware of that notice, so it is not the thing. Constructive notice means yes, article of associations, yes, one can see that it is in public domain. Publication of notice, summons in the newspaper, yes, it is constructive notice. These are the examples of constructive notice. Constructive notice के बारे में जब हमने बात करी तो इसका मतलब ये है, जब मैं कंपनी से डील कर रहा हूँ तो मुझे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे पता होनी चाहिए, और जो मैं जैसे कि जो भी पब्लिक डोमेन में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मुझे देखनी चाहिए, एग्जामिन करनी चाहिए और फिर डील करना चाहिए. इट दिस इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस.
ईगो ये डॉक्ट्रिन है. द टर्म अल्टर ईगो इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स अदर आई, ए डमी. इट इसका मतलब है टू मेक इट वेरी क्लियर, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द आइडेंटिकल कॉपी और पर्सन्स रेप्लिका, एक सेम डिफरेंट पर्सन बट विद द सेम थिंग, लाइक इट्स अ डुप्लीकेट, इट्स अ पर्सन्स रेप्लिका. इट इज अ कॉमन बिलीफ दैट अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड्स. ये कॉमन बिलीफ है हमारा कि ये कंपनी है एंड बी सी डी आर मेंबर्स, सो डिस्टिंक्ट है, कोई सवाल ही नहीं है. नाउ दिस कॉमन लॉ प्रिंसिपल ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स फ्रॉम बींग हेल्ड लायबल. इसका मतलब ये है दे आर नॉट लायबल ऑर्डिनरली. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं. That ordinarily the common law principle grants immunity to the directors and shareholders from being held liable. वो liable नहीं रहेंगे for the criminal liabilities and also debt. जो भी कर्ज रहेगा या जो भी ऋण रहेगा या debt रहेगा, liability रहेगी उसके लिए. However, the doctrine of alter ego provides for an exception to this presumption. Alter ego यहाँ पे role play करता है. कैसे? Alter ego is the doctrine which prohibits the stakeholders of the company, shareholders and directors from taking shelter of doctrine of separate legal entity. Kaise? Therefore, the doctrine is based on lifting of the corporate between the shareholders and directors and the company and treating both as one unit. Dono ek hi hai, agar intention uska barabar nahi hai. Dono ka intention agar sahi nahi hai, to dono ko ek hi consider kiya jayega. That is why this alter ego concept is there. It is based on the assumption that the company as well as the shareholders, company banai hai shareholders ne, and the managing directors are the alter egos of each other. One is the shadow or reflection of the other and can be understood as two sides of the same coin. Hence, the courts can rely on an alter ego doctrine when they find that there is a very thin line of distinction between the shareholders and directors. Inke beech mein jo hai, A Limited and B, C, D, shareholders hai, and then this is managing director, MD. Now, they are like to take advantage of separate entity. If they act with malafide intention, they act to cheat the outsiders. If they want to cheat the outsiders, then they cannot take the shelter of doctrine of take the shelter of a company being a separate legal entity. Company separate legal entity tab nahi hoga agar company ka कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने इसलिए किया होगा, कंपनी को एस्टैब्लिश ही इसलिए किया होगा ताकि दे टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट. देयरफॉर इट सेज दैट द कोर्ट्स कैन रिलाई ऑन अल्टर ईगो डॉक्ट्रिन व्हेन दे फाइंड देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कॉर्पोरेशन. द डॉक्ट्रिन इज यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू इग्नोर द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इन रेफरेंस टू देयर लायबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी सो दैट दे मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर देयर एक्शन when they have acted fraudulently or unfairly. उन्होंने कोई मतलब से कंपनी बनाई है जिससे लोगों को चीट करना है या गवर्नमेंट को चीट करना है, टैक्स इवेड करना है, कुछ भी करना है, तो then that is this doctrine will come into play. अर्थात ये they cannot say कि हम अलग है कंपनी अलग. Doctrine of lifting or piercing the corporate veil. Doctrine of lifting the corporate veil, very famous doctrine. A company enjoys a statutory privilege. हमको पता है कि वो अलग है, separate legal entity है, उसके debt जो separate है, B, C, D जो है members दूसरे members है, they are not liable for any act and all those things are there. But where a deceitful, unfair and dishonest use is made of legal entity, the individual concerns are not permitted to take shelter behind the corporate personality. वो नहीं ले पाएंगे shelter. अगर उन्होंने deceitful wrong तरीके से company बनाई है, फंसाने के लिए बनाई है या कोई चीज का undue advantage लेने के लिए बनाई है, illegally बनाई है, तो उनको वो
फायदा नहीं होगा और डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल विल कम इनटू पिक्चर. द कोर्ट लुक्स बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी. कॉर्पोरेट एंटिटी कौन चला रहा है, टेक्स एक्शन एज दो नो एंटिटी सेपरेट एज नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स एग्जिस्टेड मेक्स द मेंबर्स और कंट्रोलिंग पर्सन लायबल. ये डॉक्ट्रिन के हिसाब से when in defense proceedings a company relies on its corporate status as shield to cover its wrongdoing like tax evasion example. Statutory recognition of lifting of corporate. The following provision of the Companies Act 2013 deal with the lifting of corporate veil. Sections 2, section 7, subsection 7, section 251, subsection 1 and section 339 which lift the corporate veil to reach the real forces of action. Section 7, subsection 7 deals with punishment for incorporation of company by furnishing false information. अगर false information के साथ company बनाई तो ये lifting of corporate veil में आएगा और उसके लिए punishment भी है. This is about the criminal liability. Punishment part इसमें है. 251 subsection 1 and section 339 of the Companies Act deals with the liability for fraudulent operations conduct of business during the course of audit and auditors, mandatory auditor rotation and joint auditors, secretarial audit. ये concept जो है इसमें Companies Act में है and we will see in the next session. Now electronic governance, e-governance and MCA 21, very important topic that we are going to cover now. Electronic governance is the application of information technology. There can be question on that. Electronic governance kya hota hai? Electronic governance is the application of information technology to the functioning of the government with a view. Objective kya hai? To carry simple, moral, accountable, responsive and transparent governance. Smart. Smart governance. Simple, moral, accountable, responsive, transparent. इसे हम कहेंगे electronic governance. E-governance is quite a complex process. For better delivery of services, it needs provision of hardware, software, networking and re-engineering of the procedure. The MCA, Ministry of Corporate Affairs, the MCA of Government of India has initiated the MCA 21 project, keeping in tune with the e-governance initiatives worldwide, internationally. So electronic governance, e-governance and MCA 21 इसकी हम अभी बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक एप्लीकेशन है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है किस लिए है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग को सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाने. गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस. ई गवर्नेंस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसके लिए क्या जरूरत है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, री इंजीनियरिंग ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द एमसीए 21 प्रोजेक्ट. Ambitious project, flagship initiative, keeping in tune with e-governance initiatives globally, internationally. वो aspect ध्यान में रख के MCA 21 project को शुरुआत किया गया, project को start किया गया. Objectives है MCA 21 का, objectives है easy and secure access to MCA services. Easy and secure access to MCA services that best suits the company's public and profession.
It has been introduced to improve procedures for better delivery of services by the MC. It is an ambitious e-governance initiative that focuses on the government's vision of national e-governance in the country. उससे क्या हुआ, efficiency और transparency बढ़ी है operations में. It also supported the ministry to focus more on policy issues. The portal is built to completely automate all processes with respect to compliance of legal requirements under the various acts such as Companies Act, LLP Act and rules and regulations to regulate the operations of the corporates. Role of an agency under MCA. Role of agencies. Which are these agencies? Which are that we are going to see. Now, first of all, role of MCA 21. MCA 21 का role क्या है? Administrative role है. MCA largely deals with administration of Companies Act, LLP Act and other acts related to that. Supervisory role MCA का है, supervisory role for proper and orderly growth of the professions over the professional bodies like CA, ICAI, ICSI and ICAI, again that is Cost Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India. Role of central government. MCA also plays key role in carrying out the functions of central government concerning administration of the Societies Registration Act. Agencies of MCA. Now, which are these agencies of MCA? We have seen role of MCA. Administrative role of MCA, then supervisory role of MCA over professional bodies, and then role of central government. Agencies of MCA. ROC, Registrar of Companies means registrar, an additional registrar or joint registrar. Deputy Registrar or Assistant, having the duty of registering the companies and discharging various functions. The registrars appointed by the government having the duty of, duty is important, having the role, duty of registering companies, register karna and discharging various functions associated with registration. ROC ke functions kya hai? Registered companies, कंपनी को रजिस्टर करना है, LLPs रोटेड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, रजिस्टर कंपनीज एंड LLPs, एंश्योर दैट सच कंपनीज LLPs कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एक्ट एज रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स, इनके रजिस्ट्री एक्ट करना है, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मेक अवेलेबल सच रिकॉर्ड फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स, ये चारों फंक्शन से आरओसी. कंपनी LLP रजिस्टर करना है, LLP और कंपनीज ने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई किया है, इस पर ध्यान देना है. एक्ट एज रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू कंपनीज, रजिस्ट्री एक रजिस्ट्री के तौर पे सब रिकॉर्ड रखना है, एंड दे शुड ROC शुड मेक दिस रिपोर्ट रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक अगेंस्ट पेमेंट. Next is RD, Regional Director. The administrative control over these offices is through Regional Directors, who exercises the administrative control over these offices. The exercise of these offices, the administrative control over these offices through the respective Regional Directors is exercised by the Central. Regional directors through central government exercising this. Regional director is in charge of respective region. They supervise the working of the offices of ROC and ON, official liquidator, in their areas. They also maintain liaison with the respective state government and central government in matters relating to administration of the companies and LLP. Official liquidator. Kaun hota hai official liquidator? Official liquidator means
an official liquidator appointed under section 359 subsection 1 of the company 359 1. The central government may appoint as many as official liquidator. It may consider to discharge the functions of the official liquidator. Now, इसमें बताया एक है as per this section for the purpose of this act so far as it relates to the winding up of the companies the official liquidators are appointed. The official liquidator shall be whole time officers of the central government. Serious Fraud Investigation Office. Yes. The government had set up Serious Fraud Investigation Office, a multidisciplinary organization to investigate corporate frauds. ये बात ध्यान में रखना है. SFIO का फंक्शन क्या है? SFIO Serious Fraud Investigation Office का फंक्शन है to investigate corporate frauds in the light of कौन कौन सी वजह हुई है, major failure of NBFCs, phenomena of vanishing companies, plantation companies, the recent stock market scam. 1st October 2003 से CIFO का ये हुआ है. CIFO started functioning from 1st October 2003, it is expected to be a multidisciplinary organization consisting of experts in the field of accountancy, forensic auditing, law, IT, company law, capital market, taxation. For detecting and prosecuting the prosecuting or recommending for prosecution white collar crimes. NFRA was formed by the central government under subsection 1 of 132 of section 132 of the Companies Act. It was constituted on 1st October 2018. What is the role? Role kya hai iska? National Financial Reporting Authority, NFRA ka role kya hai? Recommend accounting and auditing policies. Then standards to be adopted by companies for approval by the central government. Monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards. Monitoring and enforcing compliance. Oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures. Perform such other functions as are necessary. Ye ho gaya NFRA का रोल. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी से रिलेटेड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का रोल है. स्टैंडर्ड्स टू बी एडॉप्टेड बाय द कंपनीज, ये भी वो डिसाइड करेगा. वो मॉनिटर भी करेगा, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी ऑफ सर्विसेस भी इंश्योर करेगा. NFRA rules. Now NCLT and NCLT. The establishment of NCLT and NCLT are part of the efforts to move a regime of faster resolution of corporate dispute, improving the ease of doing business. It was a step towards improving and easing all the judicial matters relating to company law at one place under one roof. NCLT, National Company Law Tribunal, and NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal. Dono ka establishment hua under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 aane ke baad. The establishment of NCLT and NCLAT are part of efforts. ये किस 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 क्या objective है इसके पीछे? To move to a regime of faster resolution.
ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, अगर कॉर्पोरेट्स में डिस्प्यूट्स है तो उसको रिजॉल्व करने के हिसाब से, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें आई है, ऑपरेशनल डेटर, कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल डेट है तो कैसे वो पे करना, देन इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इट वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एंड ईजिंग ऑल जुडिशियल मैटर्स, जो कोर्ट में नॉर्मल कोर्ट में फाइल हो रहे थे रेगुलर कोर्ट में, वो एक स्पेशल कोर्ट उसके लिए असाइन हुआ, स्पेशल ट्राइब्यूनल। ये ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू कंपनी लॉ और फाइल्ड और एंटरटेन बाय द ट्राइब्यूनल। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 408 एंड 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइड द एनसीएलटी। बेनिफिट्स ऑफ एमसीए की अगर बात करें तो जो एमसीए का हमने जो एस्पेक्ट्स देखे हैं, जो भी एमसीए की एजेंसीज देखी है, एमसीए के बारे में हमने बात करी है, तो एमसीए के ऑब्जेक्टिव्स की बात करी है, तो उसको लेके बेनिफिट्स अगर देखेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस विद द ऑफिसेस ऑफ आरओसीज आरडीज एंड एमसीए, इट इज एलिमिनेटेड। जो भी एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस है वो इसमें दिखता है, मतलब इंटरफेस नहीं होता है इनके साथ और वो फास्ट हो जाता है वर्क वाइज, मैनुअल वर्क नहीं है। द मैनुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनीज, कैरिंग सर्चेस, गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन, ये सब जो है ये एमसीए पोर्टल के जरिए हो जाता है, MCA 21 के जरिए हो जाता है, जो रूटीन वर्क है वो दैट इज टेकन केयर ऑफ। इफेक्टिव यूज ऑफ डेटाबेस होता है इसमें, द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड सेपरेटेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय स्टेक होल्डर्स, जब भी चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बेटर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस, दे कैन फोकस ऑन कंप्लायंस, एमसीए कैन फोकस ऑन कंप्लायंस नाउ, MCA 21 हैज इंश्योर्ड बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एमसीए फॉर कंपनीज विद रिगार्ड टू कंप्लायंस, मतलब रूटीन वर्क नहीं होने से कंप्लायंस का दे कैन सी दी इम्पॉर्टेंट वर्क। म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम, इट इज बेनिफिटेड फ्रॉम स्पीड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस, बिकॉज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कंडक्ट अ स्क्रूटिनी एंड बिफोर एडवांसिंग लोन, उनको पता चल जाएगा कि चार्ज रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी और का हुआ है, कैसा हुआ है, तो बिफोर फाइनेंसिंग दे कैन डिसाइड ऑन। इफिशियंट सर्विसेज बाय प्रोफेशनल्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली, MCA 21 सर्विसेज, विच आर दी सर्विसेस, रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये एक इनका एमसीए का सर्विस है। दिस इज सिक्योर एंड ऑथेंटिक वे टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, एज सच ऑल फाइलिंग्स डन बाय द कंपनीज एलएलपीज अंडर MCA 21 ई गवर्नेंस प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर का ये सर्विसेज देने का। अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अप्लाई फॉर डीन नंबर, डीन यू गेट देयर, डीन का नंबर है, डीन का जो है प्रोसीजर है। व्यू मास्टर डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी LLP रजिस्टर्ड, मास्टर डिटेल्स आपको कंपनी के मिल जाते हैं यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ चार्जेस मिल जाते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस मिल जाते हैं, LLP सर्विसेज मिल जाती है, यू कैन चेक LLP नेम, फाइंड LLP IN जो भी है, पूरी LLP की डिटेल्स मिल जाती है। ई फाइलिंग टू बी यूज, ई फाइलिंग की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी सर्विसेज, यूजर कैन चेक कंपनी नेम, फाइंड CIN, जैसा LLP के बारे में हमने बात करी उसी कंपनी सर्विसेज। कंप्लेंट्स, यूजर कैन रेज सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स की भी है यहाँ पर प्रोविजन। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, सर्टिफाइड कॉपी जब चाहिए तो मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की जो भी है कंपनी रिलेटेड। पे एंड पेमेंट सर्विसेज भी यहाँ पर होता है, पेमेंट होता है। पब्लिक सर्च और ट्रेडमार्क, यूजर कैन सर्च वेदर ट्रेडमार्क हैज बिन रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क पे यहाँ पर रजिस्टर्ड है कि नहीं वो भी देख सकते। इन्वेस्टर सर्विसेज, ट्रैक SRN ट्रांजेक्शन स्टेटस, की कंपोनेंट ऑफ MCA 21 इज स्क्रूटिनी।
key components of MCA 21. कौन से key components है? Key scrutiny. MCA is in process of setting up central scrutiny cell which will scrutinize certain straight through process STP forms filed by corporates on the MCA 21 registry and flag the companies for more in depth scrutiny. Key scrutiny हो जाएगा. Key adjudication is also there to manage increased volume of adjudication proceedings by ROC and RD and will facilitate to end digitization of the process of adjudication for the use. It will provide platform for conducting online hearing with stakeholders and end-to-end adjudication electronically. E-consultation to automate and enhance the current process of public consultation on the proposed amendments and draft. This is e-consultation is what is the meaning of e-consultation here? E-consultation is possible to automate and enhance the current process of public consultation on proposed amendments and draft rules, etc. E-consultation module of MCA 21 will provide an online platform wherein proposed amendment draft will be posted on MCA's website for external users and suggestions pertaining to the same in structured digital format. Compliance Management System, CMS, will assist MCA in identifying non-compliant companies. Very important. Identifying non-compliant companies. LLP is issuing e-notices to the said defaulting companies for compliance. Ye bahut zaruri. MCA will have a lab. MCA has got a lab. MCA lab is being set up, which will consist of corporate law experts. Primary function of MCA lab kya rahega? To evaluate the effectiveness of compliance management system, e-consultation module, enforcement module, etc. and suggest enhancements to the same on an ongoing basis. About filing and filing of e-forms. Very important. E-forms kya hai? An e-form is a document in electronic form. It is a document in electronic format for filing with MCA authorities through internet. E-form is a document in electronic format. Electronic format mein e-form hota hai. This may be either an application seeking approval from the MCA or a form filled for compliance or information purpose. Application bhi ho sakta hai, e-form. Agar approval lena hai, approval lena hai application ke liye, to wo bhi ho sakta hai. और अगर फॉर्म फाइल्ड फॉर कंप्लायंस कोई कंप्लायंस करना है उसके लिए भी हो सकता है. ड्यू टू टेक्निकल अपडेट्स दिस फॉर्म्स अपडेट रेगुलरली और यूज में आ सकते हैं. फिलिंग एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेक्रेटरियल फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. यूजुअली वेयर कंपनी एम्प्लॉयज अ सीएस कंपनी सेक्रेटरी ही इज डेजिग्नेटेड एज ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस. So for the delay or irregularities in complying with the various provisions of the Act, he becomes liable as officer in default. Filling and filing of forms, returns, applications and on various provisions demand good knowledge of substantive as well as procedural. If found in order, the ROC registers the documents filed with them within the system. Frequently, a large number of documents filed with the ROC are not taken on record due to technical gaps, technical discrepancies, which result in unnecessary communication and regular visits to the office of ROC in order to avoid such mistakes. Every care should be taken to ensure that the forms are correctly filled. If documents are enclosed before filing the professionals like CS are required to be familiar with the computer, internet, MCA 21, electronic filing system, PDF and all these things. Prerequisites for e-filing on MCA. क्या जरूरत होती है जब आप e-filing करना चाहते हो MCA पे? Digital signature certificate की जरूरत is required.
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ई फाइलिंग के लिए है, एनी कंप्यूटर लैपटॉप एनी इफिशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट ब्राउजर रीडर फ्रॉम वर्शन 11 और लेटर स्कैनर, ये रिक्वायरमेंट है। नेसेसिटी ऑफ प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्री सर्टिफिकेशन बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन द फॉर्म ऑफ ई फॉर्म एम दैट रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ फॉर्म्स। अगर उसी तरह से फॉर्म भर दिए विदाउट कंसल्टेशन एंड इफ मिस्टेक्स आर देयर तो इट वोंट बी एडमिटेड एंड देन आरओसी विल सेंड इट बैक, सो दैट रिड्यूसेस द प्री सर्टिफिकेशन इज सीन बाय द प्रोफेशनल। वंस एन ई फॉर्म हैज बीन प्री सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल टुवर्ड्स इट ऑथेंटिसिटी बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर्स कंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी ROC is entitled to take it on. This is up to ROC's role. Professionals are responsible for submitting or certifying documents and system would accept most of these documents online without approval by ROC. If a professional gives a false certificate or omits any material information, he is liable to punishment under section 447 and 448 of the Companies Act 2013 beside disciplinary action by the institute, concern institute. ये जो अभी हमने देखा है वो MCA 21 related, compliances related, services related, e-filing related and the role of MCA, then e-governance, this is what we have seen in the last part, but before that if we can revise then हम शुरू से अगर बात करेंगे तो हमने ज्यूरिसप्रूडेंस से शुरुआत करी थी, ज्यूरिसप्रूडेंस देन हिस्ट्री देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट के ऊपर आए थे, देन आफ्टर दैट वी हैव सीन द डेफिनेशंस, वी हैव सीन द कमिटीज, देन वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट, देन वी हैव सीन द डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में हमने कंपनी का मीनिंग जाना और कंपनी के वेरियस टाइप्स की बात करी, उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन्स की बात करी, डॉक्ट्रिन्स पे हमने काफ़ी समय दिया, तो डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करी कि किस टाइप की डॉक्ट्रिन्स है और एक्सेप्शंस क्या है, एंड देन देयर आफ्टर वी मूव टू ई फाइलिंग और ये MCA 21। तो मुझे उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सेशन ज़रूर महत्वपूर्ण रहा और इसमें ज़रूर फायदेमंद होगा अगर इसे शुरू से लेके अंत तक अगर सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे तो ये ज़रूर बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से काफ़ी कुछ जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो प्रिपेयर हो सकते हैं उसके लिए, और अगला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो कंपनीज के बारे में ही है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर देयर फॉर्मेशन है, कैपिटल है, एज पर दी नेचर एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर, वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सो दिस प्लस दैट, तो ये एक पूरा कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन एंड काइंड्स का एक पूरा पार्ट बन जाएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, कुछ भी बचा होगा या सम एस्पेक्ट्स आर स्टिल देयर टू बी कवर्ड, सो दैट कैन बी मैंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन लुक इन टू दैट। थैंक यू वेरी मच, I wish you all the very best.